ये मेरी जिंदगी की दूसरी पैदल यात्रा होने वाली है। मैं पहुंच गया हूँ खेतों की आबादियों में। 5 किलोमीटर का सफर जो है वो कंप्लीट हो गया। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ माता रानी के दरबार में और मैं आया हूँ इस रास्ते से गाइस पीछे से। मैंने माता रानी के दर्शन जो है वो कर लिए। गाइस जय श्री रमन, जय माता दी आप सभी को। और गाइस तो ये मेरी जिंदगी की दूसरी पैदल यात्रा होने वाली है और ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने घर से लेके सुजानपुर तक। वहाँ पे जाना है मैंने, माता बागवाली का मंदिर है ना जो, तो वहीं पे जाना है। और मैंने जाना है अपना किडियों वाले पुल वाली साइड से। फटाफट इस यात्रा की शुरुआत कर। तो फाइनली मैं घर से निकल गया हूँ, मैं अकेला ही जा रहा हूँ इस यात्रा में। तो मेरे को चलते चलते आधा घंटा हो गया और 2 किलोमीटर जो है वो मैंने कवर कर लिया हुआ है। और घट बताओ कैसी लग रही है आपको। सर्व सुहागन देवा बाले मैया, सर्व सुहागन देवा बालेया मेरे मैया, जोत जागेगी सारी। जय श्री रमन, जय माता दी आप सभी को। और गाइस तो फाइनली मैं माता रानी की दया से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। 5 किलोमीटर का सफर जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी आगे का सफर जो है वो तय करते हैं। आज तो मैंने फाइनली पुल क्रॉस कर लिया और मैं गंडियाल पुलिस चौकी के पास पहुंच गया हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, बस ये जो रास्ता जा रहा है ना, यहीं से ऊपर को जाना है कहीं। अंकल जी बागली माता का रास्ता ये है, बागली माता का रास्ता। ओह माय गॉड, अंकल जी कितने किलोमीटर होना इधर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ये जो ऊपर देख रहे हो आप, ये एक्सप्रेस वे का रास्ता बन रहा है। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ खेतों की आबादियों में। आगे ना 2 रास्ते हैं, तो इनसे भैया से पूछते हैं कि कौन सा रास्ता जो है वो माता रानी के द्वार तक जाता है। भैया बागली माता का रास्ता कड़ा है, एड़ा सीधा ही है। तो सीधा ही है ये वाला रास्ता। गाइस तो अभी तक ना मैं खेतों के अंदर ही हूँ। तो 3 घंटे हो गए चलते चलते और फाइनली मैं पहुंच गया हूँ भागवाली माता की जो नहर है ना उसके पास। हाँ जी अंकल जी कैसे हो। ओके फाइनली मैं पहुंच गया हूँ माता रानी के दरबार में। टोटल टाइम मेरा आया कोई 3 घंटे 10 मिनट। तो फाइनली माता रानी के दरबार में मैं पहुंच गया हूँ और मैं आया हूँ इस रास्ते से गाइस पीछे से। और एक तो ये वाला रास्ता ही आता है सुजानपुर के 4 नंबर से आता है। तो अभी अंदर चलते हैं, हम माता रानी के दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिनेमैटिक शॉट वगैरह दिखाते हैं माता रानी के दरबार के ना। आई होप आपको सिनेमैटिक शॉट जो है वो अच्छे लगे हैं माता रानी के। तो लेट्स गो, अभी माता रानी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे ना ये शॉपें बनी हुई हैं छोटी छोटी प्रसाद की, तो मैंने आज प्रसाद तो लेना नहीं है। एक्चुअली मम्मी ने पैसे दिए हुए मेरे को, तो वही चढ़ाने हैं पैसे। गाइस तो मंदिर के अंदर जाने का द्वार ही है। हाँ यहाँ से आप जाओगे तो माता रानी के दर्शन करोगे। जय माता दी। जय श्री रमन, जय माता दी आप सभी को। गाइस तो फाइनली मैंने माता रानी के दर्शन जो है वो कर लिए हैं। मेरे पीछे रहा माता रानी का द्वार। फाइनली अभी मैं आ गया हूँ बाहर और दर्शन मैंने कर लिए हैं। काफी अच्छे से दर्शन हुए माता रानी के द्वार में। आके किसको अच्छा नहीं लगता भाई, हर एक बंदे को अच्छा लगता है। जब मैं आया था ना मेरे को इतनी प्यास लगी थी, प्यास लगते ही सबसे पहले मैंने पानी पिया था यहाँ पे। गाइस तो पानी पी लिया है, तो लेट्स गो, अभी मैं चलता हूँ घर और इस व्लॉग को कर देता हूँ यहीं पे खत्म। तो टोटल 17-18 किलोमीटर जो है वो कवर हुआ है और टाइम आया 3 घंटे 5 मिनट।